अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रूनीस की तरफ से आपका कंदोस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। बेहतर पीएम के माध्यम से प्रमाण पत्र हासिल किए हमारे जेएसडब्ल्यू एनर्जी बारमर के इलेक्ट्रिकल सम। कोल डिस्पैच में नई मुकाम को हासिल किए हमारे मुंद्रा पोर्ट के मैकेनिकल सम। चुनौतीपूर्ण मेजर कार्यों को निर्धारित समय पर किए जाने के लिए सम्मानित किए हमारे जासुड़ा आईपीपी मैकेनिकल के सम। और मानसून सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। बेहतर पीएम के माध्यम से क्लाइंट से प्रमाण पत्र हासिल किए हमारे जेएसडब्ल्यू एनर्जी बारमर के इलेक्ट्रिकल समूह। बेहतरीन देखरेख कहें तो यंत्रों में बिना किसी दिक्कत के सही तौर से देखरेख किए जाना और उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को समय रहते जांच पड़ताल कर उसको ठीक किए जाना होगा, और इसे ध्यान में रखते हुए उन यंत्रों के मुताबिक उन काल अवधि के दौरान उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाना भी बेहद अनिवार्य है। इस प्रकार हमारे जेएसडब्ल्यू एनर्जी साइट में स्थित ट्रांसफर पॉइंट 124 के एमसीसी डीएस सिस्टम बैटरी बैंक को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किए जाते वक्त उन बैटरी की आउटपुट क्षमता में कमी होने की समस्या को देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने इसके मुख्य कारण यानी इसमें सेडिमेंटेशन होने को जांचते हुए इसको तुरंत क्लाइंट को विस्तार पूर्वक सूचित कर और इसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत इस बैटरी बैंक की उन सभी 173 बैटरियों की समय रहते ओवरलिंग किए। इसकी बदौलत बैटरी की आउटपुट क्षमता में सुधार किए जाने के साथ साथ इसमें उत्पन्न होने वाले उन अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण किए हैं, और इस दिक्कत की समय रहते नियंत्रण किए जाने की वजह से उत्पन्न होने वाले उन ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा किए जाने के रूप में हमारे क्लाइंट जेएसडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हेड श्री सौरभ जैन जी ने इसके लिए पत्र प्रदान कर हमें सम्मानित किए हैं। कोल डिस्पैच में नई मुकाम को हासिल किए मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशन समूह। हमारे मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशन के समूह द्वारा अब तक से ज्यादा पिछले 4/8/2019 को सिर्फ एक ही दिन में ही तकरीबन 73,634 मेट्रिक टन कोल को एपीएमयूएल में रिक्लाइमिंग किए जाने की बदौलत अब अधिक कोल को डिस्पैच कर एक नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। यानी एपीएमयूएल मैनेजमेंट की डिमांड 70,000 मेट्रिक टन है, मगर हमारे मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशन के समूह ने 73,634 मेट्रिक टन कोल को डिस्पैच किए जाने की वजह से उनकी डिमांड किए जाने से भी अधिक यानी 3,634 मेट्रिक टन ज्यादा डिस्पैच कर अब एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। इस विषय पर हमारे ऑपरेशन एचओडी श्री दिलीप कुमार जी द्वारा बताए जाने पर ये महत्वपूर्ण कार्य हमारे मेंटेनेंस विभाग की कठिन परिश्रम एवं ऑपरेशन विभाग की बेहतरीन योजना की बदौलत ही हमें ये सफलता हासिल हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेहतरीन योगदान दिए उन सभी विभाग के एचओडी एवं सभी कर्मचारियों को भी इसके लिए अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। और हमारे एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री वी रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री तपन कुमार सरकार जी ने भी इसके लिए मुंद्रा पोर्ट के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। चुनौतीपूर्ण मेजर कार्यों को निर्धारित समय पर किए जाने के लिए सम्मानित किए हमारे जासुड़ा आईपीपी के मैकेनिकल समूह। हमारे जासुड़ा आईपीपी कार्य क्षेत्र में स्टकर रिक्लाइमर 1 बकेट व्हील की ड्राइव साइड बैरिंग में उत्पन्न होने वाली उन समस्याओं को हमारे मैकेनिकल के समूह द्वारा उसकी जांच किए और इसकी खामियों एवं इसकी वजह से होने वाली उन समस्याओं के बारे में हमारे क्लाइंट से विचार विमर्श कर और इसे शीघ्र तौर से बदले जाने के लिए उनसे 48 घंटों की शटडाउन आवश्यकता की निवेदन किए, और इसमें स्प्लिट बैरिंग के माध्यम से इसको संचालित किए जाने में भविष्य में मेंटेनेंस के कार्य को बिना किसी दिक्कत के किया जा सकता है, और इसके बारे में पहले क्लाइंट से विचार विमर्श कर और उसको किए जाने के लिए उनसे स्पेयर की भी मांग किए। और फिर हमारे जासुड़ा आईपीपी के मैकेनिकल मैनेजर श्री पांडियन जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के मुताबिक और अपनी योजना अनुसार बेहद कुशलता से बिना किसी सेफ्टी वायलेशन एवं बिना किसी इंजरी के इसे महज 34 घंटों के अंदर बदल कर लगाए गए हैं, और इस कार्य के लिए योजना किए समय अवधि 48 घंटे हैं। मगर इस प्रकार की स्प्लिट बैरिंग को बकेट व्हील में इंस्टॉल किए जाना
एवं यही प्रथम बार होना ये बेहद ध्यान देने योग्य है और इस कार्य की महत्व एवं हमारे कर्मचारियों की कार्य कुशल को ध्यान में रखते हुए हेड CHP एवं AHP जारसुड़ा IPP के श्री विमलेंदु महापात्रा जी ने इसके लिए ईमेल द्वारा अपनी प्रशंसा को मैकेनिकल के समूह को जाहिर किए हैं और इसके साथ ही हमारे समूह भी जीरो डैमरेज के उस पथ पर सफर कर रहे हैं एवं शीघ्र ही इस लक्ष्य को भी हासिल करेंगे और इसके लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किए हैं और हमारे मैकेनिकल के समूह की इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे RMs श्री रवि जी, श्री इलवरसन जी एवं DRM श्री अरुल जी ने भी उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। मानसून सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हमारे मुंद्रा पोर्ट साइट में जुलाई 29 एवं 30 तारीख को हमारे सभी मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल विभाग के लिए हमारे सुरक्षा विभाग की ओर से मानसून सुरक्षा से संबंध एक विजुअल सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किए गए हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मानसून खतरों से बचाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे सुरक्षा अधिकारी द्वारा बेहद विस्तार पूर्वक बताए हैं। जैसे कि खराब मौसम में बिजली गिरती है तो ऐसे में आप उससे अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं और ऐसे मौसम में कभी भी बिजली के खंभे, पेड़ एवं पानी के पास हरगिज खड़ा नहीं होना चाहिए और हमेशा पावर टूल्स का प्रयोग किए जाने से पहले अवश्य ही एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और कभी भी बारिश के मौसम में खुली जगहों पर पावर टूल्स का प्रयोग हरगिज नहीं किया जाना चाहिए और आपका शरीर गीला हो तो ऐसे में कभी भी पावर टूल्स का प्रयोग हरगिज ना करें और इस प्रकार के मौसम में सदैव अपने पावर टूल्स को बारिश से बचाएं और ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इस मानसून सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमारे सुरक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार सेन जी द्वारा बेहद विस्तार पूर्वक बताए हैं और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।